कार्यक्रम चलरा में आपका स्वागत है। परम पर्व महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ब्रह्म कुमारी संस्था की द लाइट मूवी, जो कि संस्था के संस्थापक दादा लेखराज इनके जीवन कहानी पर आधारित है, नांदेड़ वसंत नगर सेवा केंद्र संचालिका आदरणीय स्वाति दीदी जी के आयोजन पर आज ये फिल्म नांदेड़ के ई स्क्वायर थिएटर में 3 शो में दिखाई गई। इस फिल्म को नांदेड़ जिले के बहुत ज़्यादा संख्या में भाई बहनों ने देखा और बहुत खुश नजर आए। नांदेड़ शहर और तालुका से प्रतिष्ठित नागरिकों ने फिल्म को देखा और साथ ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। नांदेड़ से अब्दुल रजाक की खास रिपोर्ट। शांति, आज यहाँ पर नांदेड़ जिले के अंदर द ई स्क्वायर में द लाइट मूवी ब्रह्मा कुमारी की यहाँ पर दिखाई गई, जिसके अंदर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के संस्थापक दादा लेखराज इनकी पूरी जीवन कहानी बताई है। पेपर से प्रतिनिधि जाणून घेऊया, अच्छा फिल्म बद्दल त्यांची प्रतिक्रिया। अतिशय छान अशी ही फिल्म होती आणि शिव बाबा काय आहेत, नेमकं सुरुवात कशी झाली, ओम शांती किंवा प्रजापिता ब्रह्मकुमारी त्यांचं कार्य सुरुवातीपासून कसं होतं याची संपूर्ण माहिती या मूवीद्वारे आम्हाला मिळाली। खूप खूप आनंद झाला आणि यातून प्रेरणा मिळाली की माणसानं सेवावृत्तीने कसं जगलं पाहिजे। तर आपले खूप खूप धन्यवाद। ओम शांती। मूवीचं नाव आहे द लाईट आणि खरोखरच सर्व प्राणी मात्रांच्या आयुष्यात नवीन दिशा देणारा प्रकाश या सिनेमामधून आपण बघतोय। ब्रह्मा बाबा यांच्या जीवनावर आधारित आणि ज्यांना कोणाला माहीत नाही ब्रह्मा बाबा कसे होते, कसे राहिले, त्यांनी हा धर्म कसा मोठा केला, त्या सर्वांसाठी प्रेरणादायी आणि अतिशय सुंदर पद्धतीने तयार केलेली ही फिल्म आहे। मॅडम शांती, मेरा पहिली बारी आहे की मी ये फिल्म देखी हूँ। मेरे सासू माँ, मेरे फॅमिली के मेरे ससुर जी दोनों भी इसमें करीब करीब 10 साल हो गए होंगे, वो हमेशा आते हैं। लेकिन कैसा है, समाज में ऐसी भावना है कि बाबा कपल अगर आ गए या कपल में हम शादीशुदा है, अगर हम यहाँ पर आ गए तो हमें एक नहीं होना चाहिए या हमें दूर रहना चाहिए, ये सिखाया जाएगा। ये जो भावना है सच में लेडीज में ये फैली हुई है, जो हम भी हमारे जो रिलेटिव्स है उनको बोलते हैं कि नहीं अच्छा है, लेकिन उनके मन में या अड़ोस पड़ोस में भी हम इसका प्रचार करने की जब जब कोशिश की तो उन महिलाओं से यही आंसर आया कि हमारी अभी उम्र नहीं है वहाँ आने की। लेकिन आज जब ये मूवी दिखाई गई तो सच में ये एक इतना अच्छा माध्यम मिला कि लोगों को बताने का, गलतफहमी आज दूर हो गई और हम हमारे परिवार को और जो जो लोगों ने कहा उन सब लोगों को आज लेकर आए और मुझे यकीन है कि उनको जो उनके सवाल के जवाब आज मिले होंगे। और ऐसी मूवी अगर दिखाई गई एक 2-3 मंथ में एक बार भी अगर दिखाई तो सब में अच्छा काम होगा, क्योंकि हम हमारे मुंह से कहने से अच्छा है कि यकीनन मूवी अगर देखेंगे तो और अच्छा उनको मिलेगा कि बाबा सबक मिलेगी कि नहीं, ये ऐसा नहीं इस है हमारे मन में कि जो शंका ये दूर होने के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आज जितने भी महिला यहाँ पर आए तो मुझे पता है कि उसमें के 75% महिला और आपके यहाँ पर आना शुरू होंगे और यही मैं शुभकामना चाहती हूँ, यही मैं सोचती हूँ। मैं भी इसमें मैं खुद आऊंगी। सुबह का टाइम जब होता है तो बच्चों को छोड़ने का होता है, इसके वजह से मुझे आना नहीं होता, लेकिन सासू मास माँ से हम सब सुनते हैं, घर पे भी हम सुनते हैं, मुरली हम देखते सुनते हैं और मैं समाज में यही प्रचार के माध्यम से मूवी का ये बहुत बड़ा काम हुआ आज और मैं चाहती हूँ कि ऐसा हमेशा हो। ओम शांति। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरे विश्व के अंदर विश्व नवनिर्माण का कार्य कर रही है, समाज के अंदर शांति लाने का कार्य करती है, समाज का सर्वांगीण विकास करने का कार्य कर रही है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था की संकल्पना पूरी दुनिया के आगे रखने के लिए ये द लाइट मूवी ब्रह्मा कुमारी संस्था के हेड दादा लेखराज इनके ऊपर बनी हुई है, जिसके अंदर ब्रह्मा कुमारी संस्था की पूरी हिस्ट्री भी आई हुई है और ये आज नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ई स्क्वायर थिएटर के अंदर आज दिन भर के 3 शो चल रहे हैं। अभी अभी एक शो दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक हुआ है और एक 2 शो चलेंगे शाम को 4 बजे से पूरा आगे 1.5 घंटा और 7 बजे रहेगा। और ये मूवी दिखाने का लक्ष्य यही है
कि समाज को, पूरे समाज को ब्रह्मा कुमारी संस्था की संकल्पना क्लियर हो जाए, ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या कार्य करती है ये सबको समझ में आए, जिस कारण ये बड़े बड़े शहरों में ये मूवी दिखाई जा रही है। और अभी अभी ये मूवी देखकर जितने भी सब भाई बहने बाहर आए सब बहुत खुश है, और सबने बहुत हमारे सेंटर के जो दीदी है स्वाति दीदी जी जिन्होंने ये पूरा आयोजन किया है उनको तहे दिल से शुक्रिया किया है। तो ये मूवी दिखाने का यही लक्ष्य है कि सबको ये क्लियर हो जाए परमात्मा शिव का धरती पर अवतरण हो चुका है, ये कलयुग अंत का समय चल रहा है, ये संगम युग है और बहुत जल्दी सृष्टि पर महापरिवर्तन होने वाला है, जो कि एक ही धर्म मानवता का धर्म इस सृष्टि पर आने वाला है, ये दिखाने का इस मूवी का लक्ष्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मधुबन न्यूज से बीके पूजा बहन।